हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं आपके सामने कलबार जस्ट स्मोकी काजल का फर्स्ट इम्प्रेशन करने जा रही हूँ। और इस काजल के बारे में लोगों ने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, और जैसा कि इस पे लिखा है कि स्टेज अप टू 12 आवर्स, ये 12 घंटे के लिए स्टे करता है आपके आईज़ पे। एंड इसका जो प्राइस है वो है 675 रुपीज़, बिकॉज ये थोड़े दिन पहले तक 650 का आता था, अभी इस पे 25 रुपीज़ जो है वो बढ़ गए हैं। और ये काजल जो है वो एक जेल बेस्ड फॉर्मूला है, सो ये 1 मिनट लगाने के बाद, 1 मिनट बाद ये सेट हो जाता है, और उसके बाद ये फैलता नहीं है, स्मज नहीं होता है। तो आप देख सकते हो, इसके साथ ही साथ इसको आप एज अ आई लाइनर, एज अ आई शेडो, ब्लैक आई शेडो, या फिर एज अ जेल लाइनर, या फिर एज अ काजल यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर आपको ये स्मजर दिया हुआ है, ठीक है। काजल लगाने के बाद आप इसे स्मज कर सकते हैं, और ये टोटली मतलब हाइजीनिक बहुत है। और आप इधर दूसरी तरफ आपका काजल है, और इसका जो मैंने एक दिन इसको लगाया है, और इसका जो टेक्सचर है मैं आपको क्या बताऊँ, इतना क्रीमी, इतना हाईली पिगमेंटेड है, बिकॉज मैं इसे 10 में से 10 नंबर दूंगी। तो चलिए मैं आपको स्वैच करके दिखाती हूँ, जस्ट सी द टेक्सचर, मैंने कितना लाइटली लगाया है और ये इतनी इजीली लग गया है। और अब मैं आपको इसे स्मजर से, क्योंकि तुरंत लगाया है तो ये तुरंत स्मज हो जाएगा, उसके बाद ये स्मज नहीं होगा, तो आपको लगाने के तुरंत बाद ही इसको स्मजर से लाइट स्मज करना है। तो ये आपकी आईज को, या आप अपने अंडर आईज एरिया में लगाना चाहते हैं, या फिर अपर लिप पे या लोअर लिप पे, तो तुरंत लगा लें, स्मज कर लें, बिकॉज उसके बाद ये सेट हो जाता है, तो ये फिर स्मज नहीं होता। फिर आप इसको चाहे जो करिए, फिर तो ये पानी डालिए, चाहे कुछ भी करिए, ये स्मज नहीं होगा, ये वाटरप्रूफ है। सी, मैं इसको कितनी तेज रगड़ रही हूँ मगर ये हट नहीं रहा है, मैंने इसको स्मज किया है। तो ये काजल आईज़ के लिए भी बहुत सेफ है, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है उनको मैं ये हाईली सजेस्ट करूँगी, कलबार जस्ट स्मोकी काजल, बिकॉज बाकी सब जो काजल हैं उनसे माइग्रेन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप इस काजल की यूज़ करोगे तो आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम थोड़ा सा उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि अगर आप काजल रेगुलर लगाना पसंद करते हो, अगर आप काजल नहीं लगाते हो तो और बात है। तो मैं आपको ये हाईली सजेस्ट करूँगी, तो प्लीज़ इसे यूज़ कीजिए। एंड इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 3 to 3.5 years है, बट ये जो काजल है ये थोड़ा सा एटलीस्ट 2 years तो चलता है। और इसका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी है 1.2 ग्राम। सो और यहाँ पर स्पेशली लिखा है स्टैम्प्ड ऑन ब्लाइंड, तो आप की आंखों में अगर प्रॉब्लम है तो आप इस काजल को ज़रूर यूज़ कीजिए, बिकॉज कलबार में 2-3 काजल आते हैं, लेकिन ये बेस्ट है आपके लिए, आईज़ के लिए भी। और दूसरी चीज़, इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिलेंगे, लेकिन जस्ट स्मोकी काजल में ब्लैक शेड, जस्ट ब्लैक इसका शेड नाम है, जी हाँ, जस्ट ब्लैक 001, तो आप यही यूज़ कीजिए। और दूसरी चीज़, इसको आप अगर किसी नॉर्मल शार्पनर से शार्प करते हैं तो ये शायद इसका जो टेक्सचर है वो उसमें ज़्यादा वेस्ट हो जाए, टूट जाए, तो उसके लिए मैंने, मुझे स्टोर गर्ल ने सजेस्ट किया कि मैं कलर बार का जो प्रो टिप शार्पनर है, ओके, उसे यूज़ करूँ। इसका प्राइस 175 रुपीज़ है, तो मैंने फिर ये ले लिया, बिकॉज इतना एक्सपेंसिव काजल है तो मैं उसको इस तरीके से वेस्ट नहीं कर सकती। और इस तरीके से ये मुझे मिला, और इसमें ये एक क्लीन करने के लिए मिला है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा है, मैंने अभी तो इसको शार्प नहीं किया, बट लेट्स सी। तो इसके लिए मैंने स्पेशली ये शार्पनर खरीदा है, क्योंकि आगे भी अगर मुझे ये शार्प करना होगा तो मैं फिर इसी से करूँगी। तो मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करती हूँ, प्लीज़ इसको यूज़ कीजिए और अपने व्यूज़ मुझे बताइए। और इसमें लिखा है कि ये वाटरप्रूफ आई पेंसिल है, जो कि 12 घंटे तक आपकी आईज पे स्टे करती है, एंड कैन बी यूज्ड एज काजल, एज आईलाइनर एंड एज आई शेडो, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस पे लिखा है इंटेंस एंड एक्सीलेंट कलर पे ऑफ एंड ऑप्थल्मोलॉजिकली एंड डर्मोटोलॉजिकली
अप्रूव्ड है ये, सो आईज के लिए बहुत सेफ्ट है एंड ये मेड इन जर्मनी है। सो गाइज इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिए। आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं बट आप इसको स्टोर पे जाके खरीदेंगे तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज़ वहाँ आपको डेट जो इसकी एक्सपायरी डेट होती है उसको चेक करके आप खरीदें। सो थैंक यू सो मच एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।